तो कैसी लग रही है फ्रेंड्स ये भिंडी ग्रेवी मसाला की रेसिपी आपको देख के। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे भिंडी ग्रेवी मसाला, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए हमने अपने खेतों का भिंडी लाया है, तो हमने खेतों में थोड़ा बहुत लगाया है भिंडी। तो ये देखिए भिंडी का इस प्रकार का पौधा है, तो हमने खेतों से ला के भिंडी को, तो ये देखिए कितना बढ़िया है हमारी भिंडी है। तो इसी प्रकार से हमने लगभग आधे केजी के आसपास भिंडी को तोड़ा है। सारे भिंडी को हमने धो के अच्छे से इसका डंठल हम निकाल देंगे और पीछे वाला भाग भी, पतला वाला जो, उसे भी निकाल देंगे, क्योंकि हमारी भिंडी छोटी छोटी भिंडी है और लंबी भिंडी जो भी होगी तो उसको हम दो पार्ट में करेंगे। ये देखिए लंबी है तो इसे हम दो भागों में काट लेंगे। तो इसी प्रकार से हमने सारे भिंडी को इसे कट कर लिया है, लंबे को दो भागों में, छोटे को एक भागों में। तो अब हम एक दो से तीन टमाटर लेंगे मीडियम साइज़ के और मिक्सी जार में इसे दो हरी मिर्ची के साथ इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए हमारा प्योरे इसका बन गया है। तो इसी जार में हम एक प्याज लेंगे, एक मीडियम साइज़ का प्याज, उसे हम इस प्रकार से काट के उसका भी प्योरे तैयार कर लेंगे। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, फ्राई पैन में हम तेल डालेंगे, तेल थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे क्योंकि हम भिंडी को फ्राई करेंगे। फिर तो भिंडी को हमने लगभग दो बैचों में फ्राई किया है क्योंकि हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। लगभग 70-80% आप इसी स्टेज पे भिंडी को पका देंगे और इसे कवर करके नहीं पकाएंगे क्योंकि कवर करने से ये बिल्कुल सॉगी हो जाएगा, उतना क्रंची नहीं बन पाएगा। तो ये देखिए हमारा भिंडी पक रहा है अच्छे से। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, आप भिंडी डालेंगे तो तेल के छींटे पड़ेंगे, तो आप अपने हिसाब से सेफ्टी कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा भिंडी फाइनली अच्छे से फ्राई हो गया है, ये लगभग 70-80% पक चुका है। हाई फ्लेम पे हमने भिंडी को डाल के उसके बाद मीडियम फ्लेम पे कर दिया ताकि इसके बीच वाले भी हिस्से पक जाए अच्छे से। तो दूसरे बैचेज को भी हमने डाल के इस प्रकार से हम फ्राई कर लिए हैं, तो इसको भी हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा फ्राई हुआ है। तो अब हम यहाँ पर एक चम्मच पंचफोरन डालेंगे, उसके बाद ये प्याज के प्योरे, प्याज को जो हमने पीस के रखा था उसे हम डाल के इसे अच्छे से यहाँ पे मिलाएंगे और इसे लगभग 2-3 मिनट तक हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तेल प्याज जो कि हमारा देखिए कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम यहाँ पे टमाटर का जो प्योरे बना है उसे डालेंगे और इसे भी लगभग 2-3 मिनट हाई फ्लेम पर पकाएँगे। हाई फ्लेम पर पकाएँगे तो इसका पानी जो है जल्दी सूख जाएगा। इसी तरह से आप चलाते रहेंगे इसे। तो ये देखिए हमारा टमाटर का भी कलर चेंज हो गया है। तो अब हम यहाँ पे मसाले ऐड करेंगे। मसाले हमने धनिया, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पे हमने मीट मसाला का प्रयोग किया है 1 चम्मच और ये थोड़ी सी एक चुटकी हींग और नमक डालेंगे। सारे मसाले को हमने 1-1 चम्मच से थोड़ी सी कमी लिया है। अब मसाले इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, मीडियम रेंज में डालना है मसाले। यहाँ मसाले डालने के बाद हम इसे फ्लेम को लो कर देंगे, लो टू मीडियम। उसके बाद मसाले को अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए हमारा मसाला भी अच्छे से भून रहा है और पैन को छोड़ रहा है, इसका मतलब है कि मसाला हमारा अच्छे से भून गया है। देखिए कितना बढ़िया ये मसाला हमारा भुना है। तो अब हम यहाँ पे भिंडी को ऐड करेंगे जो हमने भिंडी फ्राई करके रखा था। ये देखिए कितना बढ़िया ये भिंडी भी फ्राई हुआ है हमारा और मसाला भी ये हमारा भुना है। तो इस प्रकार से आप रेसिपी बनाएंगे फ्रेंड्स, ये भिंडी मसाला ग्रेवी तो बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में, रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे मिला के यहाँ पे पानी थोड़ा सा ऐड किया है। पानी आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा आपको जैसा पसंद हो। हमने ना ही पतली ग्रेवी रखी है ना ही ज़्यादा गाढ़ी,
तो इसे मिलाने के बाद हम कवर करके इसे लगभग 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू हाई पे पकाएंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया इसका ग्रेवी बना है फ्रेंड्स, आपको देखने से अंदाज़ा लग गया होगा कि इसकी जो थिकनेस है कितनी बढ़िया है। तो ये ठंडा होने के बाद थोड़ी सी और गाढ़ी होगी, तो हम लास्ट में थोड़ी सी गरम मसाला डाल के, हरी धनिया डाल के इसे मिला के इसे बंद कर देंगे। तो ये फाइनली हमारा भिंडी ग्रेवी मसाला की रेसिपी बनके तैयार है। तो ये देखिए कितना बढ़िया इसका ग्रेवी भी अच्छे से सेट हो गया है इसमें। तो फाइनली हमारा ये भिंडी ग्रेवी मसाला की रेसिपी बनके तैयार है। हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए कितना बढ़िया ये बना है, आपको देखने से लग रहा होगा ना बिल्कुल रेस्टोरेंट में जो मिलती है ना भिंडी ग्रेवी मसाला, तो उस तरीके की ये बनी है। इसकी ग्रेवी देखिए। तो फाइनली आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर फ्रेंड्स ज़रूर बनाएं एक बार। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक जय हिंद, जय भारत।